Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ये देखें, ये मेरे सामने ज्वाइन एएसएफ का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक करना है। ये आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। जो बच्चे पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे अपना डाटा फिल इन करेंगे और लॉग इन करेंगे। जो नहीं है, जो फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे आए हैं एएसएफ की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो साइन अप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है ये आपने डैश के बगैर देना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, जैसे यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड कोशिश करें देखें, लिखा हुआ है कि 8 करेक्टर का होना चाहिए, अपर केस मतलब कैपिटल लफज, छोटे लफज और नंबर्स वगैरह स्पेशल वर्ड इंक्लूडेड होने चाहिए। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ से आपने साइन अप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखे कह रहा है कि द ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन, क्योंकि मेरी यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल लगी हुई है, इस वजह से मैं साइन इन के ऑप्शन पे जाऊंगा। आपने साइन अप जैसे यहाँ से करेंगे, ये डाटा फिल इन करने के बाद आपका साइन अप हो जाएगा। तो अगेन मैं इस पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। मैं वापस लॉग इन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा, पासवर्ड दूंगा, लॉग इन ओके कर देना है। यहाँ पे अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पासवर्ड सेव करना है नहीं करना। अब ये देखे मेरे सामने पूरी एक प्रोफाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे अब मैं सारे अपने पर्टिकुलर फिल करूंगा। ये वीडियो आपने गौर से देखनी है, कम्प्लीट देखनी है, इनशाला इसमें आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। ये मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, इससे जो अगली मेरी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं मोबाइल पे आपको करके दिखाऊंगा किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है। अब सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे हमने क्लिक हेयर की ऑप्शन पे जाना है। अब ये देखें, ये सारा फॉर्म आ गया आपके सामने, इसको कंप्लीट आपने फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। ये देखें, ये मेरी पिक्चर अपलोड हो गई है। अब इनकेस वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 30 KB तक सिर्फ पिक्चर होनी चाहिए। अब आपकी अगर पिक्चर बड़ी है, मोबाइल से खींची हुई, वो जारी बात MB में बन जाएगी, तो उसे आपने पिक्चर रीसाइज पे क्लिक करना है और यहाँ से पिक्चर को आपने रीसाइज कर लेना। अब रीसाइज खतरी का कार भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, कोई भी यहाँ पे आपके पास पिक्चर है, आपने जस्ट पोर्टल पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ से पिक्चर अपलोड करनी है। ये एक पिक्चर आ रही है, इसका तकरीबन साइज आ रहा है 87 KB, तो इसको मैंने साइज कम करना है। तो यहाँ पे कितना साइज मांगा हुआ है, 30 KB। तो देखें, इस पिक्चर को जैसे यहाँ पे मैंने किया, उसके बाद यहाँ पे आपने कंप्रेस कर देना है। यहाँ पे लिखना है कितने KB में करना है, आपने 28 KB की पिक्चर बना लेनी है। जैसे यहाँ पे 28 एंटर किया, उसके बाद कंप्रेस कर देना है आपने। 87 से 28 में पिक्चर कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ से आपने गो डाउनलोड पे जाना है और यहाँ से इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है आपने। अब ये देखें, मेरे पास पिक्चर ओपन हो चुकी है। मैं फोल्डर ओपन करता हूँ। अब ये देखें, ये एक्चुअल इसका 28 KB साइज बन चुका है। पहले ये पिक्चर बड़ी थी, 87 की थी, अब इसका साइज कम हो गया है। तो ये बेसिकली साइज कम करने का एक मेथड था पिक्चर का, ये इसके साथ ही दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर एंटर होगी, यहाँ पे आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। लाहौर करता हूँ, लाहौर और उसके बाद पंजाब का डोमिसाइल, जो सिंध और KPK वाले बच्चे हैं वो उस हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। देखिए काफी सारे आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद डोमिसाइल आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, जैसे मेरा खुशाब साइड का है, मैं खुशाब का एंटर कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे अब आपने नाम अपना एंटर करना है, ABC। ये मैं डमी फॉर्म भर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह आपने फॉर्म फिल करना होता है। ये साथ छोटा कैलकुलेटर आ रहा है कैलेंडर, इस पे आपने क्लिक करके यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी आप करना चाहते हैं 28 तक। अब देखें, अब एज ठीक हो गई है, तो ये CNIC इंटर हुआ हुआ है। यहाँ पे अपनी कास्ट देनी है, कास्ट आपकी कौन सी है, जैसे बट है या मलक है, जो भी आप देना चाहते हैं, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, जैसे मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। अगर कोई मजीद मेरे से रब्ता भी करना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो सेम इस नंबर को मैं कॉपी करूँगा, आगे पेस्ट कर देता हूँ। रिलीजियस मुस्लिम करना है। पोस्टल एड्रेस आप XYZ कोई भी दे सकते हैं, जो आपका है। मतलब पोस्टल एड्रेस अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो वो वाला देना है, क्योंकि ये मेल के लिए रिक्वायर्ड होता है पोस्टल। परमानेंट एड्रेस आप कहाँ के रहने वाले हैं, जो आपका मेन डिस्ट्रिक्ट परमानेंट एड्रेस है वो आपने देना है। एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, विडोज हैं, मिनोरिटी कोटा है, प्रोविजनल जो भी आपका है, अगर डिसेबल कोटा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो इसको आपने छोड़ देना है। एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद डिसेबल है तो यहाँ पे आप यस हैं,
देन आपको सर्टिफिकेट अपलोड वो करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा, वो आप उस वक्त देंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अगर कुछ बच्चे ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना है। इसको हम अपडेट कर देते हैं यहाँ से। ये देखें, ये मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आगे मैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालूंगा। अब जैसे मैट्रिक है, इंटरमीडिएट पहले डालता हूँ, मतलब जो आपकी IAS डिग्री है वो आपने डालनी है। जैसे आपने मास्टर्स किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, या कुछ भी किया हुआ है, तो ASI तक मैक्सिमम इंटरमीडिएट है, तो कोशिश करें कि यही तालीम इंटर करें। अगर किसी की ज्यादा है तो वो इंटर कर सकते हैं। तो डिग्री नेम FA किया हुआ है, उसके बाद इसका रिजल्ट कब अनाउंस हुआ था, जैसे जो डेट, जैसे किसी का 2015 में हुआ होगा, 2018 में जो डेट आ रही है वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। इंस्टीट्यूट का नेम आपने देना है, सरगोधा बोर्ड है, सरगोधा बोर्ड से किया है, टोटल नंबर कितने थे, 1100 में से 600 नंबर आपने लिए हैं, इसको सेव कर दिया। ये दो पार्ट आपने कंप्लीट कर लिए। करने के बाद अब ये देखें, आगे मजीद अगर आप तालीम यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं, अब जैसे मैट्रिक भी मैं करना चाहता हूँ, साइंस के साथ किया और कब आपने कंप्लीट की है, वो 2015 में किया है, तो इसका मतलब है कि इसको हम कर देते हैं 13 में, फर्स्ट फेब 13 हो गई यहाँ पे। इंस्टीट्यूट नेम सेम सरगोधा बोर्ड, उसके बाद टोटल नंबर 1100 में से आपने 700 नंबर लिए, इसको भी सेव कर देते हैं। ये देखें, दो डिग्रीज आ गई हैं। इसी तरह मजीद अगर बैचलर वगैरह आपने किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आप सारी तालीम अपनी इंटर करते जाए इसी मेथड से। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, जैसे आपने MS ऑफिस किया हुआ है या ऑटो कैड वगैरह के कोर्सेज किए हुए, कहाँ से किए हैं आपने, लाहौर इंस्टीट्यूट से किए हैं, कितने नंबर थे, 100, ऑब्टेन कितने किए, 80, और परसेंटेज आपकी निकली 80%, तो ये आपने सेव कर दिया इसको भी। अब आगे मजीद ये देखें, इंटर हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आ रहा है। अब आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जैसे आर्मी से बच्चे अप्लाई करेंगे, बहुत से इदारों से बच्चे अप्लाई करेंगे, वो उसकी आपने मुकम्मल डिटेल देनी है, कैटेगरी कौन सी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट जो भी सिलेक्ट करेगा उसके लिए NOC लाजमी है, NOC चाहिए होगा, ये याद रखें। आपकी टाइप कौन सी है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, डेली वेजेस हैं। इसके अलावा आपका वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या था, जैसे इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेटर कर देते हैं, BPS क्या है आपका, 17 है, 16 है, जो भी आपका वहाँ पे BPS है, 11 है। सर्विस नंबर यहाँ पे मांगेंगे आपसे कि आपका सर्विस नंबर क्या है, कब से आपने शुरू की, कब तक की है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपने देना है। ये उन लोगों के लिए है जो सर्विस पर्सनल्स हैं, ये देखें ना, जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सारा मेंशन करेंगे अगर है तो। अब यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ, मेरा जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मैं 4 साल का डाल देता हूँ, 1 जनवरी से लेके, उसके बाद अभी अगस्त चल रहा है तो आज अगस्त तक मैं इसको डाल देता हूँ, 3 साल टोटल बने हैं। उसके बाद अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी सेव कर देते हैं। यहाँ पे 147 कोई भी मैंने नंबर एक दे दिया, ये एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड मैंने सेव कर लिया है। तो यहाँ तक मेरा अभी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हमने कर लिया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी इंटर कर लिया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी होगी, प्लस पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्लस पिक्चर अपडेट कर दी। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ से हमने करना है अप्लाई नाउ की ऑप्शन पे। अप्लाई नाउ जैसे क्लिक करेंगे, ये देखे वो पूछ रहा है आपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए करना है, ASI के लिए, कॉर्पोरल के लिए, ड्राइवर के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। तो जस्ट यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है, जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए करता हूँ, तो यहाँ पे याद रखें कि जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं उनका भी तरीकाकार यही है, और जो दूसरे लोग हैं उनका भी यही तरीकाकार है, ताकि कुक तक आ रही है पोस्टें, जो खाकरूब और वो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे नहीं होगा, बाकी ये दूसरे जितने बच्चे हैं जिनका ये नाम आ रहा है वो सारे इसी प्रोसेस से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपने, जैसे ही इस पे क्लिक हो गया तो ये देखे अप्लाइड सक्सेसफुल आ गया ऊपर। अब यहाँ पे मैंने एक पोस्ट पे अप्लाई कर दिया, पहले यहाँ पे 0 आ रहा था। अगर आप एक से ज्यादा पोस्टों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी पैटर्न पे आप दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो देखे कि अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं, देखे ऑलरेडी अगर कंप्लीट की हुई है तो यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करके कौन कौन सी पोस्टों पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट इनको सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं CPL पे भी करता हूँ तो इसे भी अप्लाई कर देता हूँ। ये सारा फॉर्म मेरा सेम इट इज आ गया, आई एग्री, अप्लाई नाउ। अब ये देखें मेरी 2 पोस्टों पे अप्लाई हो चुका है। तो ये बेसिकली इसका अप्लाई का पूरा प्रोसेस था।
तो आई होप सो आपको पूरा इसका समझ आ गया होगा। अब आपने देखना है कि अप्लाई तो मेरा हो गया, अब मैंने डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप करनी है। यहाँ पे डाउनलोडिंग पे आपने क्लिक करना है। ये देखें मेरी जो पोस्ट थी, दो पोस्टों पर मैंने अप्लाई किया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कॉर्पोरल। अब ये देखिए उन्होंने एक यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा है कि योर फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट स्लिप विल बी अपलोडेड एज एंड व्हेन द टेस्ट आर शेड्यूल्ड, कीप विजिटिंग एएसएफ फॉर अपडेट्स। अब जो भी मजीद अपडेट्स होगी उस हिसाब से यहाँ पे ही अपलोड हो जाएगा डाटा। आप यहाँ से दोबारा अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड कर सकते हैं। अब आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, ऊपर टॉप पे देखें प्रिंट स्लिप की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे जैसे ही आपने प्रिंट पे क्लिक किया, ये देखें पूरा आपके सामने प्रिंट आ गया। यहाँ से आपने इसको पीडीएफ में सेव कर लेना है और किसी भी दुकान पे जाके इसका आपने प्रिंट ले लेना है। ये इस तरह करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही पूरा एक तरीकाकार था अप्लाई करने का, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। तो बहुत मैंने आसान और डिटेल लफ्जों में आपको समझाया है, कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से करें, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आता है फिर भी मुझे बता दीजिएगा। इससे जो नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी वीडियो होगी वो मैं आपको मोबाइल पर पूरा ऑनलाइन अप्लाई करके समझाऊंगा, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह इसकी मैं जॉब डिटेल्स पे, उसके बाद इसके प्रोसेस पे पूरा एक डिटेल प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी ट्रेनिंग तक क्या क्या आपको मरले से गुजरना पड़ेगा, इंटरव्यू किस तरह के होते हैं, टेस्ट किस तरह के होते हैं, पेपर में सवालात कौन कौन से आते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मेरे ही इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह, ऐसी बहुत सी वीडियोज आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।